तिरंगा हाथों में लेकर के जब जनसैलाब निकला तब मेरे दिलो दिमाग पर माँ भारती की तस्वीर थी और नए संकल्प नई उमंग नई ऊर्जा से जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का एक लक्ष्य स्पष्ट रूप से साफ दिखाई पड़ रहा था। जीवन के पथ पर आशा का संबल लेकर चलने वालों अरमानों की ज्वालाओं में दिन रात तरे गलने वालों तुम वीर धीर तुम नहीं डरे आतप से झंझावातों से तुम माघ पूस के जाड़ों से और सावन की बरसातों से जाने किस माया में खोया कर अपनी तो पहचान रे स्वाभिमान और नए आत्मविश्वास से भरे जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 नागरिक हवाओं की गोद में तैर रहे तिरंगों के रंग और वीरों की बलिदानी ऊर्जा से दमकता आसमान जम्मू कश्मीर की गली गली में विश्व के कल्याण का संकल्प लिए मां भारती के सपूतों का उत्साह आज बॉटनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन से पूरे देश और दुनिया को संदेश दे रहा है। हर घर तिरंगा का यह उत्सव धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक के नए जज्बे त्याग पुरुषार्थ पराक्रम और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पिछले 2 वर्षों में या मैं कहूँ 3 वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हर गांव हर शहर ने तिरंगे से जुड़े मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किया है। इससे जुड़े हर एक आयोजन में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने हिस्सा लिया है। आज कठुआ से लेकर कुलगाम तक सांबा से लेकर सुपहिया तक तवी से लेकर चिनाब की लहरों तक एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है। एक ही संकल्प लिया जा रहा है इस तिरंगे की आन बान शान के लिए ही जिएंगे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। आज जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक के मन में भविष्य निर्माण का संकल्प है और उस संकल्प की सिद्धि के लिए आवाम का एक एक नौजवान पूरी निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से काम कर रहा है। साथियों, हर हाथ में तिरंगा इस महान राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों नीति निर्माताओं और जम्मू कश्मीर के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों का आदर और सम्मान भी है। साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है जिन महान पुरुषों ने वीरों ने सूरमाओं ने जिन पराक्रमियों ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा था जिन्होंने अपने वर्तमान को अपनी जवानी को हमारे भविष्य के लिए हंसते हंसते कुर्बान किया था उनके सपने भी इसी तिरंगे से जुड़े हुए हैं। इन सपनों को पूरा करने का भार आप सबके कंधों पर है हम सबके कंधों पर है। साथियों, आवाम के सम्मानित प्रबुद्धगण आप सब हमेशा इस बात का स्मरण रखिएगा कि इस तिरंगे में बड़ी ताकत है। अंग्रेजों ने जब हम पर अत्याचार किया था तब समाज को सबसे बड़ी ताकत इस तिरंगे ने दी थी। अंग्रेजी शासन ने जब हमारी तरक्की की गति को रोक दिया था
तब भगवान के पौर उसको इस तिरंगे ने जागृत किया था। मुझे याद है 2022 में जब पहली बार हर घर तिरंगा आयोजन के तहत तिरंगा यात्रा निकली थी, तब श्रीनगर ही नहीं जम्मू कश्मीर के हर शहर हर गांव में लहराते तिरंगे ने आवाम की नई आकांक्षाओं को भी देश के सामने रखा। जम्मू, रामबन, रजौरी, पुंछ, पुलवामा, कुपवाड़ा के दृश्य आज भी मेरे जहन में तैर रहे हैं। हाथ में तिरंगा और आंखों में भारत श्रेष्ठ भारत का भाव लिए असंख्य लोगों की भीड़ ने जम्मू कश्मीर के पैरों में नई ऊर्जा का संचार किया था। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने न सिर्फ एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार किया बल्कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा द्वारा 140 करोड़ हृदयों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया तथा कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की भौगोलिक दूरी को समाप्त करके स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ये आंधी जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण की आंधी है। मैं मानता हूँ कि यह तिरंगा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आज अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। पीढ़ियों बाद उसे एक अवसर मिला है जिससे वह पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी भय के देर रात तक स्वच्छंद जीवन जी सकता है। तिरंगा यात्रा हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और उद्यमियों को नया मकसद, नया लक्ष्य, नई जिम्मेदारी दे रही है। मैं समझता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर का समाज भी गतिशील है, प्रगतिशील भी है और कर्मशील भी है। पिछले 4-5 वर्षों में मैं इस बात को मैंने महसूस किया है, मैं साक्षी रहा हूँ कि संघ राज्य क्षेत्र में एक एक नागरिक ने अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय दिया है। आज मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में लहराते तिरंगे के साथ देश के लिए जीने और राष्ट्र निर्माण में प्रामूल्य योगदान देने की उनकी आकांक्षा को देख रहा हूँ। पिछले 4-5 वर्षों में शिद्दत से प्रयास किया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषकर युवाओं और